रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज हम कॉलर ड्रॉ की क्लास नंबर 46 में आई ड्रॉपर टूल और एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कॉलर ड्रॉ। सबसे पहले देखें कलर आई ड्रॉपर टूल। हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और यहां से हम सिलेक्ट कर रहे हैं सबसे पहला टूल कलर आई ड्रॉपर टूल। कलर आई ड्रॉपर टूल क्या काम करता है देखें। कलर आई ड्रॉपर टूल अगर हमें किसी भी कलर की सिलेक्शन लेनी है अपने किसी इमेज में से, अपने बनाए हुए डिजाइन में से, तो आप वहां से उस कलर को बासानी सिलेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इसमें से येलो कलर चाहिए, मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दिया तो ये कलर मेरे पास यहाँ पर आ गया। देखिए जैसे ही आप आई ड्रॉपर टूल से कलर पर क्लिक करते हैं, जौन सा भी कलर आपको चाहिए, और जैसे क्लिक किया तो ये कलर यहाँ सिलेक्शन में आ गया और यहाँ पे आके जब आपने क्लिक किया ऑब्जेक्ट पर तो वो वहां पर अप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहां से आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं जहां पे भी आपने इसको अप्लाई करवाना है। यहां से हमने सिलेक्ट किया और यहां पे आके हमने इसको क्लिक कर दिया। अच्छा, ये जो है ये एरिया है जहां से भी आप कलर सिलेक्शन लेंगे, वो 1x1 से हो, 2x2 हो या 5x5 हो, तो वो एरिया जो है ना सराउंडिंग का जो सिलेक्शन है कलर का वो बढ़ जाएगा। तो आपको जैसे भी सिलेक्शन करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं और वो कलर आप अपने पैलेट्स में ऐड करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट पैलेट्स पे आप उसको ऐड भी करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया आई ड्रॉपर टूल। इसके बाद आ जाएं नंबर 2, एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर टूल। इसका क्या काम होता है देखें। मैंने एक ये रेक्टेंगुलर लिया और एक ये लिया और यहां से जब आप एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ के भी ऑप्शन बार आपको नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में सिलेक्ट हुआ हुआ है आउटलाइन, फिल, टेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन में सिलेक्ट हुआ हुआ है साइज, रोटेशन, पोजीशन, इफेक्ट में आपके पास बहुत सी चीजें हैं, आपको क्या चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन में से साइज को क्लिक करूँ और यहाँ पर एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल से मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा और जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें हमारे पास ये यहाँ पे अप्लाई भी हो गया और उसके साथ साथ अच्छा ये साइज पे चेक नहीं लगा तो साइज पे चेक लगा देते हैं। ओके, और अब अगर हम इसको अप्लाई करें तो ये देखें साइज में क्या हुआ कि जो जिस ऑब्जेक्ट से आपने कलर फिल लिया था एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल के जरिए, तो उसने क्या काम किया कि यहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट को वो अपने ही साइज में, अपने ही कलर में, अपने ही आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में से रोटेशन को क्लिक करें और उसके बाद अप्लाई करें तो ये रोटेशन इसकी जो होगी उसके हिसाब से अप्लाई कर देगा। तो यहाँ से आप इसको बआसानी जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर पोजिशन पर क्लिक करूँ, ओके करूँ, तो अब ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर चला गया, ये देखें, क्योंकि हमने पोजिशन पर रख के उसको वो करा। तो आप यहां से जो भी अच्छा, अगर मैं यहां से कोई इफेक्ट देना चाहता हूँ ब्लेंड का और यहां पर आया मैं यहां पे क्लिक किया तो ये ब्लेंडिंग का क्लिक इफेक्ट आ जाएगा। तो आपको जो इफेक्ट देना है वो आप यहां से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।